हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्पार्क बाय रमन सर। मेरा नाम आत्मरंजन है और मैं आप लोगों के बीच जो है आज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सिलेबस का रिव्यू लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलिए सिलेबस देखते हैं कि सबसे पहले क्या क्या चीज़ इसमें पढ़ना है हम लोगों को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। ठीक है, तो सबसे पहले इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो है ये सब्जेक्ट कोड जो है आपको ये ध्यान में रखना होगा कि इसका सब्जेक्ट कोड क्या क्या है। ठीक है, ये जो है सब्जेक्ट कोड जो है अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो वहाँ पर ये हमेशा ध्यान में रखना होगा। ठीक है, उसके बाद अगर इसका फुल मार्क्स का बात करें तो ये क्या है, टोटल 100 मार्क्स का है। ठीक है, टोटल 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 70 नंबर जो होता है ये एक्सटर्नल होता है, जो कि आउट ऑफ कॉलेज में जो है, आउट ऑफ कॉलेज में जब आपका सेंटर कहीं जाएगा फॉर्म भराने के बाद जो है, तो वहाँ पर 70 नंबर का मार्क्स होता है। ठीक है, उसके बाद जो है टीचर असेसमेंट, जो आपको सर जो है कॉलेज में, आपके कॉलेज में जो भी सर अगर असाइनमेंट के तौर पर जो देते हैं, वो आपका 10 नंबर का होता है। ठीक है, उसके बाद क्लास टेस्ट, जिसको हम लोग इंटरनल भी बोलते हैं, वो कितना नंबर का होता है, 20 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो 20 मार्क्स का, तो टोटल कितना हो गया मेरा, ये 100 मार्क्स का हो गया। यहाँ पर 100 मार्क्स का टोटल जो है आपका सिलेबस के बारे में पता चल गया कि कितना नंबर की होता है। ठीक है, और कौन कौन सा एग्ज़ाम में कितना कितना मार्क्स का पता होता है, तो ये आपको पता चल गया। तो आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले जो है कि इस कोर्स में, इस कोर्स को पढ़ने से मेरा क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, आखिर हम इस कोर्स में जो सब्जेक्ट है ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव का अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम जब इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग को पता क्या क्या चलेगा, तो उसमें हम लोग को क्या पता चलेगा, रिजल्टेंट फोर्स, मतलब वेरियस फोर्सेस, मतलब जब हम फोर्स पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे रिजल्टेंट को निकालने के लिए हम लोग उसमें देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैलकुलेट मतलब सपोर्ट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, सपोर्ट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, सपोर्ट क्या होता है, लोड क्या होता है, हमको उसका रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करना होता है। उसके बाद इक्विलिब्रियम ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर, इक्विलिब्रियम फोर्स पढ़ेंगे। ठीक है, इसी में सब चीज़ हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में देखेंगे। उसके बाद बोलता है क्या कि उसमें हम लोग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, अगर फ्रिक्शन कहाँ लगता है, कैसे लगता है, ये सब चीज़ उसी में हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर बोल रहा है कि फंडामेंटल ऑफ लॉ, मशीन और उसका एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये सब चीज़ जो है इस सब्जेक्ट को जब हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में हमको पता होना चाहिए या पता चलेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि इसका फर्स्ट यूनिट जो है, इसका फर्स्ट यूनिट क्या है, बेसिक ऑफ मैकेनिक्स, बेसिक ऑफ मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम, बेसिक ऑफ मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम। तो इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले जैसे ही हम इस सब यूनिट को हम स्टार्ट करेंगे, यूनिट फर्स्ट जो है, यूनिट फर्स्ट को जब हम स्टार्ट करेंगे तो इसमें जो है पहला सिग्निफिकेंस है कि इसका मतलब कहाँ यूज होता है, सिग्निफिकेंस या रिलेवेंस में हम लोग जो पढ़ते हैं इसमें कहाँ यूज होता है, कैसे कैसे इसका स्ट्रक्चर बनता है और कहाँ कहाँ हम इसको फोर्स को निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, ये सब चीज़ बात जो है हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर अप्लाइड मैकेनिक्स होता क्या है, उसके बाद स्टैटिक क्या होता है, डायनेमिक क्या होता है, स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, सब चीज़ जो है, फ्लेक्सिबल बॉडी क्या होता है, रिजिड बॉडी क्या होता है, सब चीज़ जो भी है इसमें जो है जितना भी है इसमें हम लोग फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। उसके बाद फोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि रिप्रेजेंट हम फोर्स को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसका क्या क्या नोटेशन होता है, किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी फोर्स। ठीक है, ये क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है ट्रांसमिसिबिलिटी फोर्स का। उसके बाद फोर्स सिस्टम का क्लासिफिकेशन क्या होता है, जितना भी है। ठीक है, ये फर्स्ट यूनिट में सबको हम लोग, उसके बाद क्या होता है, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स, उसके बाद फिर मोमेंट ऑफ फोर्स, वेरिग्नोन्स थ्योरम, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये यूनिट में वेरिग्नोन्स थ्योरम ये पढ़ना होता है, इससे एग्जाम में मार्क्स भी, मतलब क्वेश्चन भी आता है, ज़्यादा चांस रहता है इससे आने का। ठीक है, उसके बाद आता है क्या, कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस, रिजल्टेंट के बारे में, फिर एनालिटिकल मेथड से हम कैसे डिटरमिनाइंट करते हैं, मतलब उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद कॉन्करेंट फोर्स क्या होता है, नॉन कॉन्करेंट फोर्स क्या होता है, पैरेलल फोर्स क्या होता है, कोप्लेनर फोर्स कितना, जितना भी सब फोर्सेस हैं सब हम फर्स्ट यूनिट में, पैरेललोग्राम ये भी इंपॉर्टेंट होता है, पैरेललोग्राम लाओ। ठीक है, पैरेललोग्राम और पॉलीगॉन लाओ, सब जितना भी है फर्स्ट यूनिट में जो जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में, जैसे जैसे इंपॉर्टेंट इसका बढ़ते जाएगा हम उसी तरीके से वो यूनिट बाय यूनिट हम बताते जाएंगे। उसके बाद है क्या कि सेकेंड यूनिट, सेकेंड यूनिट क्या है, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, हम कैसे बॉडी को इक्विलिब्रियम में मानेंगे या कैसे हम बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखेंगे, सब चीज़ जो है ये सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है,
सब जितना भी है सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे, जैसे इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विवेलेंट क्या होता है, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम हम बॉडी को कैसे बनाते हैं, कोई जैसे अगर बॉडी रखा हुआ है तो उसमें उसको हम कैसे, हम उस बॉडी को जो है फ्री बॉडी डायग्राम कैसे, मान लीजिए उसका सेल्फ वेट कितना लग रहा है, उसके बाद फिर उसका नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है, सब चीज़ें कैसे लग रहा है, ये सब चीज़ जो है हम सेकेंड यूनिट में बात करेंगे एनालिटिकल मेथड हम लोग फाइंड करने के लिए। उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम आता है लामीज थ्योरम, ठीक है, लामीज थ्योरम और उसका स्टेटमेंट जो कि एग्ज़ाम में हर एक बार पूछता ही है, ज़्यादा चांस रहता है इसका पूछने का ही, ठीक है। तो उसी प्रकार से लामीज थ्योरम उसका एक्सप्लानेशन क्या होता है, उसके बाद क्या आता है कि वेरियस इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, उसी के बेस्ड लामीज थ्योरम के बेस्ड ही हम बहुत सारे क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो हम बताएं कि आपको बीम क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, सब चीज़ जो है ये इक्विलिब्रियम जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट होता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसमें बहुत सारा चीज़ इसमें पढ़ना होता है, जैसे बीम क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, इसी में हम लोग सिंपल हिंज, रोलर, सब जितना भी होता है सब भी हम लोग, और फिक्स, ये सब बीम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लोड के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सा लोड आ रहा है, पॉइंट लोड आ रहा है क्या, उसके बाद फिर हम देखेंगे उसमें पॉइंट लोड आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आ रहा है, हम लोग कैसे कैसे कौन कौन सा बीम पे किस तरीके से लोड आता है सब हम इसी के बारे में देखेंगे। इंक्लाइंड पॉइंट क्या होता है, ठीक है, वर्टिकल और इंक्लाइंड पॉइंट में या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो होता है, उसके बाद कपल आता है, सब चीज़ जो है, उसके बाद कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है, ओवरहैंगिंग बीम, जितना भी है उसको हम लोग इस यूनिट में दे, तो ये यूनिट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, सेकेंड यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल भी बनता है। उसके बाद आता है क्या, थर्ड यूनिट, थर्ड यूनिट में क्या है, थर्ड यूनिट में आता है क्या, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि फ्रिक्शन कहाँ लगता है, कैसे लगता है, इसका अप्लीकेशन क्या है, ठीक है, इसका कंडीशन क्या है, ये सब चीज़ उसको जो है फ्रिक्शन के बारे में हम लोग जब हम यूनिट थर्ड जो पढ़ेंगे, थर्ड यूनिट जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग फ्रिक्शन के बारे में कैसे कैसे क्या अप्लीकेशन, ये सब चीज़ हम इसको देखेंगे, इसका इंजीनियरिंग रिलेवेंस क्या है, ठीक है, इसका लॉ क्या है, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसके बाद लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, जितना भी है इसमें, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट फ्रिक्शन एंड एंगल फ्रिक्शन क्या होता है, सब चीज़ जो है ये भी एक तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाता है, ठीक है, तो आपको ये भी अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है, पैरेलल फोर्स क्या होता है, इंक्लाइंड फोर्स क्या होता है। उसके बाद फिर जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है फोर्थ यूनिट में सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये चीज़ जो है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जैसे जैसे आप सेमेस्टर बाय सेमेस्टर आगे बढ़े, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, जब आप लोगों का ब्रांच पेपर है तो वो लोग वहाँ पर जब हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब हम निकालेंगे तब वहाँ पर इसका बहुत सारा यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पहले ही से ही हम लोग अच्छे से इसके बारे में हम लोग सीख लेंगे, ताकि जब हायर सेमेस्टर में जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये चीज़ का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालते हैं, सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं, जितना भी है, जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रेंगल हो गया, सर्किल हो गया, सेमी सर्कल हो गया, ठीक है, क्वार्टर सर्कल हो गया, सेंट्रॉइड ऑफ कंपोजिट, उस फिगर कंपोजिट, ये सब जितना भी है इसमें सब हम लोग इसमें सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है निकालेंगे उसमें, ठीक है, जब हम यूनिट फोर जब हम पढ़ेंगे तो, ठीक है। उसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो हो गया, कंपोजिट सॉलिड का, ये सब जितना भी है सब हम जो है यूनिट फोर में देखेंगे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी यूनिट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो एक और यूनिट फाइव है जो मेरा, ये सिंपल लिफ्टिंग मशीन, इससे तो 100% एक क्वेश्चन रहेगा ही, ठीक है, तो इससे जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सिंपल लिफ्टिंग मशीन जो है इसमें हम लोग मशीन के बारे में पढ़ेंगे, लोड के बारे में पढ़ेंगे, इफॉर्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जितना भी है इसमें जो है मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ एडवांटेज क्या, एप्लीकेशन ऑफ उसका एडवांटेज क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होता है, सब जो है इसमें, लॉ ऑफ मशीन क्या होता है, आइडियल मशीन क्या होता है, जितना भी है इसमें सब हम लोग आगे इसी यूनिट में जो है हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बॉम एंड बॉम व्हील क्या होता है, जो कि आगे आपको हायर जो है सेमेस्टर में आप लोगों को गियर के बारे में सब बताया जाएगा, लेकिन आपको इंट्रोडक्शन के तौर पर यहाँ पर आप लोगों को बॉम एंड बॉम व्हील सब जो है यहाँ पर देखने के लिए जरूर मिलेगा ये फिफ्थ यूनिट में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, स्क्रू जैक क्या होता है, वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली क्या होता है, सब जो है इसी में हम लोग देखेंगे, ठीक है, गियर पुली ब्लॉक क्या होता है। तो ये पूरा जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो है ये सिलेबस है, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ आपको, टोटल फाइव यूनिट है, ठीक है, इसी में जो है आप लोगों को
यूनिट बाय यूनिट आप लोग को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो सिलेबस है ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।